हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेजी केमिस्ट्री। गाइस, ये मेरा थर्ड वीडियो है स्ट्रीम केमिस्ट्री पर। इससे पहले हम सीख चुके हैं कायरलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सियल कायरलिटी, कायरल प्लेन, हेलिसिटी। सेकंड वीडियो में हमने देखा हेट्रो एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आपने ये दोनों वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आरएस नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रो एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे यूजिंग सीआईपी रूल्स। ये एमएससी केमिस्ट्री का टॉपिक है जो सीएसआईआर नेट एंड गेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेट्रो एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सीआईपी रूल्स, जो कि चैन इनगोल्ड प्रीलॉक्स रूल कहलाते हैं। आप कार्बन कंटेनिंग कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर चुके होंगे या हेट्रो एटम के लिए भी यही रूल्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है, आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑर्गेनिक का, उसके लिए आप कायरल सेंटर को फाइंड करेंगे। कायरल सेंटर क्या होता है, जो आपका यूजली कार्बन सेंटर आपने अभी तक देखा होगा, जिसके लिए चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं, तो हम इसको कायरल सेंटर मानते हैं और स्टीरियो सेंटर कहते हैं। यहाँ हम सिंस हेट्रो एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, कोई भी हेट्रो एटम हो सकता है। उसके लिए जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उससे, वो चारों लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए, तो हम उसको मानेंगे कायरल सेंटर है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड, आप जब कायरल सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमको उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द हेट्रो द एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट जो उससे जुड़े हुए हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 प्रायोरिटी देते हैं। अगर बेस्ड ऑन द सिक्वेंस रूल, हम देखेंगे सिक्वेंस रूल में किस तरीके से हम उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अगर आपका वो ऑर्डर 1, 2, 3 क्लॉकवाइज आता है तो हम उसको आर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आर मींस रेक्टस, मींस राइट। और अगर वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो हम उसको एस कॉन्फ़िगर बोलते हैं, मींस सिनिस्टर और लेफ्ट। आप फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, फिशर फॉर्मूला में भी आर एस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। कंडीशन है कि जो आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी होता है चार ग्रुप्स में, द लोएस्ट प्रायोरिटी वाला फोर्थ जो रिमोट, उसको आपको रिमोट रखना होता है व्यूअर से। तो फ्लाइंग वेज में जो होता है, आप डॉटेड लाइन पे रखते हैं उसको, जो कि एक बिलो द प्लेन ऑफ पेपर माना जाता है। और अगर आप वो फिशर के लिए कंसिडर कर रहे हैं, फिशर स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। और वहां रखने के बाद आप प्रायोरिटी ऑर्डर 1, 2, 3 जाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम उसको आर और एस डिसाइड करते हैं। ये आपका एक सीक्वेंस रूल है जो कि एटॉमिक नंबर के बेस पर प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ आयोडीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होता जा रहा है, प्रायोरिटी उसकी कम होती जा रही है। तो आप हेलोजन एटम्स की देख सकते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग को प्रायोरिटी उसके ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है, उसके बाद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें भी आप जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी पहले देते हैं। अगर आपका लिगेंड में दो एटम्स जो फर्स्ट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सेम हैं, तो हम सेकेंड एटम को कंसीडर करते हैं। अगर सेकेंड एटम भी सेम है दो लिगेंड में, तो हम थर्ड एटम को डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए। इस तरीके से आप जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर में हाइड्रोजन को सबसे कम दिया हुआ है। इसके बाद लोन पेयर्स भी आते हैं जो कि हाइड्रोजन से कम प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं। तो ये रूल्स जस्ट आपके रिविजन के लिए हैं। आई होप आपको ये रूल्स ऑलरेडी आते होंगे, आप पढ़ चुके हैं। ये एक रिविजन है जो आपको याद रखना है। तो हम पहले देखेंगे फिशर एंड फ्लाइंग फॉर्मूले में कार्बन कंटेनिंग कार्बन जो सेंटर होता है उसके लिए कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं, ए बी सी डी डिफरेंट फोर लिगेंड दिए गए हैं। यहाँ पर कार्बन हमारा कायरल सेंटर है क्योंकि ऑल जो हमारे फोर लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें जो आप सॉलिड लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, वो आपका इन प्लेन लिगेंड्स हैं। जो डैश लाइन पे लगा हुआ है वो आपका बिलो द प्लेन है, और जो आपका वेज लाइन पे लगा हुआ है वो आपका अबव द प्लेन लिगेंड है।
ये आपका फ्लाइंग वेज का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेज द डैश लाइन पे जो आपका ग्रुप लगा हुआ है वो डी लोएस्ट प्रायोरिटी है 4 नंबर का। तो हमने देखा था रूल में कि आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो डैश लाइन पे लगा होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए और बिलो द पेन होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है। उसके बाद हम प्रायोरिटी सिक्वेंस देखते हैं 1, 2, 3। अगर आप ये 1, 2, 3 को फॉलो करते हैं तो इसका डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज दिया हुआ है। क्लॉकवाइज का मतलब हो जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको फ्लाइंग वेज में यहाँ पर हम आर कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। और अगर आप इसी को फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो आप कैसे करेंगे फ्लाइंग वेज को फिशर में, आप सॉलिड लाइन वालों को वर्टिकल लाइन पे ले लीजिए ग्रुप्स को, और जो आपका वेज एंड सॉलिड लाइन में दिया हुआ है आपका वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले सकते हैं ग्रुप्स को। तो आप देख सकते हैं बी और डी जो आपका सॉलिड और वेज लाइन पे दिया हुआ है वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा है, और आपका जो इन प्लेन ग्रुप्स हैं उसको हमने वर्टिकल लाइन पे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और हमारे जो सीआईपी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोएस्ट प्रायोरिटी फिशर कन्फर्मेशन में आपका वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। तो हम इसको एक लिगेंड को कांस्टेंट रख के बाकी की जो 3 लिगेंड हैं उसको इस तरीके से रोटेट करेंगे कि आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ बी ने डी की पोजीशन ले ली, डी आपका वर्टिकल लाइन पर आ गया और सी आपका बी की पोजीशन पे चला गया। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर रेडी है आपका 1, 2, 3 प्रायोरिटी देने के लिए। तो ए बी सी को फॉलो करेंगे, ए बी सी हमारा यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा वर्टिकल लाइन पर है, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप चाहे फ्लाइंग वेज में करें इसका कॉन्फ़िगरेशन और आप फिशर में करें, आपका सेम आना चाहिए, तो आर है आया है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कार्बन कायरल सेंटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका अवे द व्यूअर ही है, डैश लाइन पर है, और यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप ए बी सी देखते हैं तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब हम इसको देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको फिशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर के लिए जैसे मैंने आपको बोला था जो आपके सॉलिड एंड वेज पे हैं उसको हॉरिजॉन्टल पे ले लीजिए, इन प्लेन बॉन्ड्स को आप वर्टिकल लाइन पे रख के, क्योंकि आपका डी यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, अगेन हम ए को कांस्टेंट रख के बाकी के 3 लिगेंड को मूव करेंगे, ये भी सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग है। और आप देख सकते हैं हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर डी वर्टिकल आ गया है लाइन पर, और उसके बाद हम प्रायोरिटी सिक्वेंस देखते हैं ए बी सी जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम इसको एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो चाहे आपका फ्लाइंग वेज हो फिशर हो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए सेम। अब सेम रूल्स हम अप्लाई करेंगे हेट्रो एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पर, जिसमें कि हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रो एटम मॉलिक्यूल। तो ये अमोनियम डेरिवेटिव है, आप देख सकते हैं यह नाइट्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये आपका कायरल सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है। उसके बाद हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी यहाँ पर आपका देख सकते हैं एरोमेटिक रिंग है जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं C2H5 के ऊपर, तो C2H5 सेकंड जाएगा और CH3 थर्ड, एंड आपका हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी पर है 4। तो इस तरीके से आपने एक बार नंबर दे दिए तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी आपका डैश लाइन पर है जो कि अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो आप डायरेक्टली फ्लाइंग वेज में भी इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो आप जाते हैं 1, 2, 3, आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज हमारा हो जाता है आर, आप इसको बोलते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से आप इसको फिशर में भी कर सकते हैं, फिशर के लिए हम सेम इन प्लेन बॉन्ड को वर्टिकल लाइन पे रखकर जो सॉलिड एंड वेज वाला है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो सेम रूल फॉलो करेंगे C2H5 को कांस्टेंट करके बाकी के 3 को रोटेट करेंगे। अब हमारा हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पर आ गया। अब आप इसमें देखेंगे 1, 2, 3 का सीक्वेंस फॉलो करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 सीक्वेंस है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। तो आप चाहे फ्लाइंग वेज में करें या फिशर स्ट्रक्चर में करें कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहना चाहिए, तो हमारा इसका आंसर होता है आर। अगर आपके पास सल्फर कंटेनिंग
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको फोर्थ लिगेंड जो है वो लोन पेयर दिया गया है। ये भी हमारा कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ भी चारों ही ग्रुप्स जो है लिगेंड जो जुड़े हुए हैं इससे डिफरेंट हैं, तो हमारा सल्फर को हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं। तो हमारा सीआरपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल सेटिस्फाई होता है। सेकेंड रूल, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो एरोमेटिक रिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, उसके बाद COOH है। तो यहाँ क्योंकि पीएच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल डबल बॉन्ड होता है, तो डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो कार्बन कार्बन का नंबर ज़्यादा आएगा यहाँ पर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड आपको दिया जाता है CH2COOH को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर CH3 है जो कि हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यहाँ कार्बन के बाद आफ्टर टू हाइड्रोजन्स के बाद यहाँ पर थर्ड कार्बन है, तो इस वाले लिगेंड को सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी। 1, 2, 3 मिथाइल को और फोर्थ हम देते हैं लोन पेयर को। अब इसमें आप नोट कर सकते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो है हमारा लोन पेयर है, लेकिन वो हमारा डैश लाइन पर नहीं दिया हुआ है, तो हमको उसको डैश लाइन पर लेके आना पड़ेगा, मतलब बिलो द प्लेन लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हम, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फ्लाइंग वेज में ही निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक इमेजिनरी एक्सिस हमने इमेजिन की है, जहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो वो कांस्टेंट हो गया, बाकी के तीन ग्रुप को हम 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे, और उसमें हमारा लोन पेयर पीएच की पोजीशन पर आ जाता है। पीएच आपका CH2COH की पोजीशन पर आ जाएगा, और CH2OH COOH आपका लोन पेयर की पोजीशन पर आ जाएगा। अब क्योंकि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइडेड है, हम देखेंगे 1, 2 एंड 3 फॉलो करते हैं इस सीक्वेंस को, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। इसी को अगर आप फिशर के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो हम इसको सेम तरीके से फिशर में राइट कर सकते हैं, जहां आप इन प्लेन बॉन्ड को वर्टिकल लाइन पर रख के और सॉलिड वेज का हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा, देखेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पर है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली 1, 2, 3 सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। 1, 2, 3 हमारा यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका हुआ एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं हेटरो एटम का। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर फॉस्फोरस आपका एक सेंटर है जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि चारों ही डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये कायरल सेंटर माना जाएगा। उसके बाद हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ओवर कार्बन, फिर पीएच, ईटी एंड मिथाइल को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पर जाएगा। तो यहाँ भी इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है, हमको उसको बिलो द प्लेन लेके आना है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप फिशर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली फिशर में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ, जो इन प्लेन बॉन्ड है उसको वर्टिकल लाइन पे लिखा 1 एंड 4, और जो आपका सॉलिड एंड वेज वाला है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया है सच 3 एंड 2। क्योंकि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी आपका वर्टिकल लाइन पर ही आ रहा है, तो हमको कोई कन्वर्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली 1, 2, 3 सिक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से फिशर कन्फर्मेशन, फिशर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत इजी है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं फिशर फॉर्मूले से। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि MSc के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, और अगर कोई भी CSIR नेट या गेट के प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, उस तरीके से आप मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज आरएस डिस्क्रिप्टर्स एंड डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मींस आपका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो हम पहला मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट हमको देखना है कायरल सेंटर, तो यहाँ फॉस्फोरस दिया हुआ है जो कि फोर डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल सेंटर है। उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन को फर्स्ट जाता है, पीएच को सेकंड, पीआर को 3, प्रोपाइल ग्रुप और मिथाइल को लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4 दिया जाता है बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल। यहाँ हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी हमारा बिलो द प्लेन है, तो आप डायरेक्टली फ्लाइंग वेज में भी निकाल सकते हैं 1, 2, 3, और आप इसको फिशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम अप्लाई करेंगे रूल्स को।
और आप देखते हैं कि यहाँ सॉलिड एज जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में रखकर लोएस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज ये आपका क्लॉकवाइज है। अगर आप फ्लाइंग वेज में कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरीके से निकालें, तो आप यहाँ पर उसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल जो आपका है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सल्फर है वो कायरल सेंटर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का आइसोटोप दिया हुआ है 18। नॉर्मली उसका 16 एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा पीएच फिनाइल एंड मिथाइल ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर है। आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सल्फर आप इन प्लेन बॉन्ड को आपने वर्टिकल लाइन पे रखकर सॉलिड एंड वेज को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया, क्योंकि यहाँ पर भी आपका लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है। आप उसको कन्वर्ट करेंगे एक एटम को, लिगेंड को कांस्टेंट रखकर। उसके बाद आप प्रायोरिटी सीक्वेंस देखेंगे, 1, 2, 3 आपका यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इस तरीके से आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, सी आई पी रूल्स अजाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ आप डिफरेंट फॉर्मूला देख सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल सिलिकॉन है, हेट्रो एटम है दोनों ही। तो हम फर्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें किस तरीके से हम करेंगे। नाइट्रोजन को सेंटर मानते हुए हम यहाँ पर भी सेम इन प्लेन बॉन्ड को वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, और आपका सॉलिड एंड वेज को जो हमें दिखाई देता है वैसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे। और लोएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि हमारा ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पर है, आप 1, 2, 3 सिक्वेंस को देखेंगे जो कि आपका एंटी क्लॉक वाइज है, आप इसको एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। उसी तरीके से ये सिलिकॉन कायरल सेंटर माना जाएगा बिकॉज ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट हियर। तो आप देख सकते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो डायरेक्टली आप 1, 2, 3 प्रायोरिटी दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, हम फिशर में भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो आप इन प्लेन बॉन्ड को वर्टिकल लाइन पे लेंगे, सॉलिड वेज को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे, उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, तो आप एक बार उसको रोटेट कर एक एटम को कांस्टेंट रखने के बाद आप देख सकते हैं हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर आ गया है। और आप अब 1, 2, 3 सिक्वेंस को फॉलो करेंगे जो कि एंटी क्लॉक वाइज है, हमारा एस कॉन्फिग्रेशन आता है। तो इस तरीके से आपका फ्लाइंग वेज हो या फिशर स्ट्रक्चर, दोनों में ही कॉन्फ़िगरेशन सेम आया है। और आई होप आप सभी को आरएस नोमेनक्लेचर निकालना आ गया होगा कायरल सेंटर मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो कार्बन हो या हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, कोई भी एटम दिया गया हो आप अब निकाल सकते हैं। See you in the next video.